हेलो गाइस, बहुत दिन बाद मैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया। उसका बहुत रीज़न है, मैं थोड़ा रिसर्च पर्पस के लिए बिजी था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो फाइनली मैं सोचा कि वो बहुत टाइम हो गया कि वीडियो अपलोड करनी होगा, इसलिए मैंने अपलोड शुरू कर दिया। तो मैं हर वीक एक बार लाइव आऊंगा और हर वीक एक नया मशीन लर्निंग डीप लर्निंग प्रोजेक्ट का वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे इस चीज को बना सकते हो, खुद खुद का हाथों से कैसे बना सकते हो, खुद का मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब पूरा चीज मैं आपको सिखाऊंगा हर वीक एक दिन पर। ओके, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने एनालिसिस किया वो कि चेस्ट निमोनिया डिटेक्शन। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा इंटरनेट पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं अटक गया वीडियो। हाँ, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद का मॉडल ट्रेन कर सकते हो, खुद फ्रॉम स्क्रैच कैसे मॉडल ट्रेन कर सकते हो, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आप हैंड्स ऑन कोडिंग दिखाऊंगा कि कैसे आप डीप लर्निंग यूज करके खुद को मॉडल कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्पस के लिए, तो प्लीज आप मेरे गिटहब फॉलो कर लीजिए, ताकि जब मैं कुछ भी नया चीज अपलोड करूंगा तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और आपको जैसे कि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही गिटहब में भी नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरा यूट्यूब जैसे आप सब्सक्राइब करते हो, वैसे ही अगर मेरे गिटहब को फॉलो करोगे तो आपको सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगर स्टार्ट करते हैं। और तो गाइस मैं मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा। दिस इज माई गिटहब अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यह है मेरा गिटहब अकाउंट। आप चाहो तो इस गिटहब अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सॉरी, जब मैं कुछ भी कोड अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप मेरा गिटहब को फॉलो कर सकते हो। तो देखो गाइस, जो मैं आपको आज बताऊंगा, ये मेरा बहुत ही इस दिनों का प्रोजेक्ट है। तो अभी तक ज्यादा नहीं है, 44 ही रिपोजिटरी है। तो ये रिपोजिटरी क्या है? रिपोजिटरी एक फोल्डर है जहाँ पे आप आपका खुद का कोड यूज कर सकते हो, खुद का कोड डाल सकते हो, ताकि जब कोई आपका कोई आप कैसे काम कर रहे हो और काम करते हो, अगर किसी ने देखना चाहते हो चाहते हैं तो वो आप गिटहब चेक आपका गिटहब चेक करके वो खुद देख सकता है। गिटहब बनाना गाइस बहुत ही मैंडेटरी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, और अगर आप कोडिंग पर्पस के लिए काम करते हो, और अगर आप कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कोडिंग को या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, वेब डेवलपमेंट, जितना सारा फील्ड है, अब इसमें किसी में भी एक पे आपको बहुत प्यार है और आप इसको आपका फ्यूचर समझते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज आप गिटहब अकाउंट बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो गिटहब अकाउंट बना लीजिए, इसमें आप खुद का कोड यूज कर खुद का कोड इसमें डाल सकते हो, ताकि किसी भी बहुत सारे इंटरव्यूअर्स, रिक्रूटर्स आपको स्टॉक करते हैं, तो जब वो स्टॉक करते हैं तो आपका वो
काम देख सकता है। तो आप मुंह से बोल दिया कि ये मैंने ये काम किया, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा? तो इसमें क्या होगा, आपको खुद प्रैक्टिकली उनको दिखा सकते हो कि आप ऐसे ऐसे काम किए हो। तो गाइस जो मैं आपको दिखाऊंगा आज वो है दिस जस्ट निमोनिया डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग वेरियस आर्किटेक्चर। तो गाइस जुपिटर नोटबुक में मैंने एक मेन फाइल बनाया, और यहाँ पे मेन फाइल आने से पहले यहाँ पे जितना सारा फाइल देख रहे हो ना कि मॉडल 1 मॉडल 2, ये मैंने तीनों मॉडल तीनों आर्किटेक्चर ट्रेन किया हो, और ये देखने के लिए कि कौन सा आर्किटेक्चर बेटर है। तो गाइज ये मेरा प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहो तो मैं आप मेरा ये रिपोजिटरी का लिंक या मेरा गिटहब अकाउंट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आप आराम से देख लीजिए। यह है मेरा इस रिपोजिटरी, इसमें मैं आपको आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 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 किया और कैसे कौन सा डेटा यूज किया। तो गाइस देखो यह डेटा रियल वर्ल्ड डेटा सेट है। तो गाइस आप बहुत सारा वीडियो में देखे हो कि प्रेडिक्टेड बहुत ही ट्रेनिंग लॉस है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस और टेस्ट लॉस बहुत ही कम होता है, जितना कम मिनिमाइज हो जाता है उतना अच्छा मॉडल होता है। बट गाइस वो प्रीपेयर डेटा सेट के लिए, अगर अपने कोई रियल वर्ल्ड डेटा सेट जो कि प्री प्रोसेस नहीं है, जो प्री प्रोसेस नहीं है और जो रियल वर्ल्ड है जो कि डेटा एनालिस्ट कोई काम नहीं किया उस डेटा सेट के ऊपर, तो इस टाइप का डेटा के ऊपर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसमें आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिल जाएगा बट वैलिडेशन लॉस्ट या ट्रेनिंग लॉस ये दोनों का मिनिमाइजेशन बहुत ही कम हो सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा आएगा, जो भी आएगा वो भी अच्छा है। तो गाइस ये डेटा सेट मैंने कैगल से डाउनलोड किया, तो इस डेटा सेट का साइज है 1 GB, तो इसमें बहुत सारा फोटोज है, लगभग 5,000 फोटोज है, सभी ब्लैक एंड व्हाइट में है। एंड इस डेटा सेट का पूरा दोनों दो क्लास है इस डेटा सेट में, एक है नॉर्मल लांस का पिक्चर, ये जो लांस का पिक्चर ये एक है नॉर्मल क्लास और एक है न्यूमोनिया। तो गाइस यह डेटा सेट तो देखो गाइस, तो मैंने ये तीनों आर्किटेक्चर ट्रेन किया हूँ इस डेटा सेट के ऊपर। तो फर्स्ट आर्किटेक्चर है 2:1, 2:1 मीन्स दो हिडन लेयर और एक सिंगल दो सॉरी दो सीएनएन लेयर्स और एक सिंगल हिडन लेयर्स आर्किटेक्चर विदाउट यूजिंग बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट। तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आपको कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉपआउट के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करूंगा कि बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉपआउट होता क्या है। तो गाइस देखो, तो ये यूज करना नहीं यूज करके मैंने 99% ट्रेनिंग एक्यूरेसी मिला और 93% टेस्ट एक्यूरेसी मिला। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत लोग ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखकर समझते हैं कि यही अच्छा मेन एक्यूरेसी है और इसमें भी इसमें इतना एक्यूरेसी आ गया। तो गाइज मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट एक्यूरेसी। उसके बाद मैंने दूसरा मॉडल ट्रेन किया हूँ, वो है 4:2 आर्किटेक्चर, जहाँ पे 4 CNN लेयर्स है और 2 हिडन लेयर्स है, तो यूजिंग बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट। तो गाइज आप देखे हो कि बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट यूज करके मेरा एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी कम हो गया, इसलिए मैंने दूसरा एक मॉडल ट्रेन किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन हटा दिया और ड्रॉप आउट यूज किया, तो ड्रॉप आउट यूज किया इसलिए मेरा एक्यूरेसी फिर भी आ गया अच्छा सा और ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि मेरा ग्राफ है, ये रिजल्ट था, ये थर्ड नंबर थर्ड मॉडल का ग्राफ था जो कि बहुत ही अच्छा हुआ आया, तो इसलिए मैंने मॉडल 3 को सिलेक्ट किया जो कि अच्छा है। तो गाइस चलिए कोड देख लेता हूँ कैसे मैंने किया। तो गाइस यह है मेन फाइल, इसमें पूरा कोड है कि कैसे 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 मैंने किया हो, तो आपको मैं दिखाऊंगा आज। ये थोड़ा लोड होता है क्योंकि ये ऑनलाइन में जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रहा है। तो चलिए गाइस ये ओपन हो गया। तो यह केस नमूना डिटेक्शन एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिखा हूँ ताकि जो मेरा ये ब्लॉग पढ़े तो उसको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा ब्लॉग में थोड़ा डिस्क्राइब किया। और गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोडर हो और कोडर कोडिंग को पैशन बनाना चाहते हो तो गाइस पहले से ही क्लीन कोड लिखना
प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू और बहुत ही कंपनी में लोग आपका इंटरव्यू में भी देखता है कि आपका कोडिंग स्टाइल कैसा है, कोडिंग फॉर्मेट कैसा है। तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब कोड लिखोगे कि एक ये जो सेंटेंस आप दिख रहे हो ना, ये सेंटेंस को बोलता है कि स्टेटमेंट। तो गाइस आप स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट या कमेंट आप लिख सकते हो, ताकि जो आपका कोड पढ़ेगा, और किसी को बात छोड़ो, जब आप सोचो कि आप 5 साल बाद ये आपका खुद का ये ब्लॉग अप कर रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए ये सब लिखना होता है, ताकि आप जब भी इसको पढ़ो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज ये सब लाइब्रेरी मैंने यूज किया। तो गाइज केरस, तो मैंने ऑलरेडी केरस के ऊपर एक वीडियो बना दिया, अगर आपको नहीं मिला और अगर आप नहीं दिखा तो गाइज प्लीज मेरा वीडियो सेक्शन पे जाके देख लीजिए केरस क्या है और केरस होता क्या है। फिर भी मैं इस वीडियो पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि केरस होता क्या है। तो गाइज केरस है एक मशीन लाइ सॉरी डीप लर्निंग लाइब्रेरी, जो कि डीप लर्निंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और केरस एक टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का हाई लेवल एपीआई है। केरस टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का हाई लेवल एपीआई कॉल करता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट होता है, वेब डेवलपमेंट के दोनों स्लीप होते हैं, एक है फ्रंट एंड एक है बैक एंड। तो यहाँ पे भी फ्रंट एंड है केरस और बैक एंड है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो कोड करना बहुत ही टफ है और केरस में कोड करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि केरस में सिंगल लाइन कोड से आप कर सकते हो, बट टेंसर फ्लो में आपको खुद को डिफाइन करके करना होगा। इसलिए टेंसर फ्लो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क है। तो टेंसर फ्लो में आप ये भी कर सकते हो। टेंसर फ्लो बेसिकली रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है, ताकि फ्रॉम स्क्रैच बनाने के लिए कुछ भी। तो गाइज ये तो क्लासीफायर है मेरा। क्लासीफायर एक वेरिएबल जहाँ पे मैंने सिक्वेंशनल बोल के एक क्लास को कॉल किया। तो गाइस सिक्वेंशनल है क्या? तो सिक्वेंशनल है न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के लिए बहुत ही पॉपुलर एक क्लास है। अगर आपने इस क्लास को कॉल नहीं किया तो आपका मॉडल, आप कोई भी मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो गाइस यह स्टेप वन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का एक लाइव एक लेयर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कन्वोल्यूशनल 2D, जो कि ये जो पिक्सल फॉर्मेट है, ये आप जो दिख रहे हो ये पिक्सल फॉर्मेट, और ये इनपुट शेप। इनपुट शेप क्या होता है? तो इनपुट शेप में क्या मैंने जो दिया है 64x64x3, इसका मतलब है कि ये 64x64 का पिक्चर लेगा, 64x64 पिक्सल का पिक्चर लेगा, जो कि 3 चैनल में होगा। 3 चैनल मतलब है RGB। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू क्या होता है, आपको पिक्चर में देखे हो कि कलरिंग पिक्चर में तीनों चैनल यूज करके एक कलर पिक्चर बनता है, और ब्लैक एंड व्हाइट में दोनों चैनल यूज करके ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनता है। तो गाइस कलर पिक्चर में तीनों चैनल होता है, इसलिए यहाँ पे 3 मैंने दिया, ताकि ये इतना पावरफुल हो कि कोई भी कलर इमेज भी ये एनालाइज कर सकता है। तो ये मैंने सिर्फ बनाया ऐसे ही, ये सब लेयर भी बनाया। इस लेयर को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग सा वीडियो बना के मैथ्स, इसमें सब लेयर में प्योर मैथ्स है। अगर मैंने आपको मैथ्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं अब मैथ्स एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है गाइस? तो गाइस इसलिए मैंने आपको जस्ट ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ, और जब मैं इसको डेप्थ में दिखाऊंगा तब ये कोड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आप जानते हो कि ये क्या है, तो देन वेरी गुड गाइस, आप इसको यूज करके आप खुद का भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, रेलू रेलू ये है रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, ये है एक फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि दोनों या कुछ भी क्लास में डिवाइड करता है। सिग्मोइड यूज किया मैंने, सिग्मोइड का फंक्शन है। तो सिग्मोइड का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि सिग्मोइड मतलब सिग्मा इक्वल्स टू 1/1 e^-x, यह सिग्मोइड का फंक्शन। तो गाइस ऑप्टिमाइजर मैंने एडम यूज किया, लॉस में मैंने बाइनरी एंट्रोपी यूज किया, मैट्रिक्स मतलब एक्यूरेसी प्रिंट करेगा पढ़ी को। तो गाइस यह पूरा पूरी आर्किटेक्चर बना हुआ है, जस्ट आर्किटेक्चर को फिट करना होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को पिक्चर के ऊपर फिट करना है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा कि पिक्चर के ऊपर फिट करना होगा, और ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट को अलग अलग करके लिखा हो। और स्टेप पॉक यानी क्या किया, पार इपॉक में 4000 रोज ट्रेन होगा, और इपॉक
दस और वैलिडेशन और बैच होगा क्या 1000 और बैच साइज 32। तो गाइस ये ईपॉक स्टार्ट हो गया। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब ईपॉक ट्रेन होगा तब ये दोनों चीज ये ध्यान से ध्यान रखना कि ये है होता क्या। तो ये ईपॉक ट्रेन होने के बाद मैंने इसको प्लॉटिंग किया, तो देखो गाइस कैसे कितना ओवरफिट है। ओवरफिट आपको कैसे समझ में आएगा कि ये जो लाइन है और ये लाइन का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो ये ओवरफिट है, अगर पूरा सेम हो गया तो अंडर फिट है। इसको क्या इसका परफेक्ट मॉडल क्या होता है कि ऐसे 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 करके जब फिट होता है तो ये जो लाइन दिखा है ऊपर का ये ओवर फिट, जितना गैप में होता है ये ओवर फिट। अगर ऐसे फिट हो गया ऐसे की देन ये ठीक ठाक है। तो ये अच्छा मॉडल नहीं हुआ इसलिए मैंने दूसरा आर्किटेक्चर यूज किया। ये है आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैंने ड्रॉप आउट और जीरो पैडिंग यूज किया हो। ड्रॉप आउट है एक रेगुलराइजेशन कॉन्सेप्ट, उनको यूज करने के बाद मेरा ग्राफ थोड़ा चेंज हुआ, तो देख ही सकते हो आप थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद मेरा थर्ड आर्किटेक्चर यूज किया और इसके बाद बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आया, क्योंकि तो ये देखो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो ये पूरा चीज मुझे ट्रेन होने के 3 दिन लग गया, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना फास्ट नहीं है तो इसलिए 3 दिन लग गया पूरा ट्रेन होने में। तो आफ्टर ट्रेन दिस डेटा सेट मैंने ये वायलिन प्लॉट यूज किया, वायलिन प्लॉट यूज करके इसको प्लॉट किया। और यह है कि सीबॉन का एक लाइब्रेरी है तो जो कि आप यूज कर सकते हो। और यह फाइनल रिजल्ट, तो गाइस यह है मेरा चेस्ट निमोनिया डिटेक्शन का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। तो गाइस ऐसे ही मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किया, तो आज मैं इसको बताऊंगा, तो नेक्स्ट डे मैंने आपको दिखाऊंगा कि मलेरिया आप कैसे कर सकते हो मलेरिया डिटेक्शन, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का डेटा सेट आपको कैकल में मिल जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मलेरिया कैसे कर सकते हो मलेरिया डेटा सेट और हार्ट एनालिसिस, तो सब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि आप कैसे। अगर आप मेरा चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना। अगर मेरा डिस्क्राइब करने में टाइम में कोई भी गलत हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मलेरिया कैसे ट्रेन कर सकते हो खुद का डेटा सेट डाउनलोड करके, और इन फ्यूचर में कैसे आप डेवलप कर सकते हो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।